हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का पाठ 5, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। यह पाठ पढ़ने के उपरांत जो बातें आप सीख जाएंगे, यानी सीखने के प्रतिफल, वह है जीवाश्म ईंधनों की निर्माण प्रक्रिया एवं परिष्करण को आप जान जाएंगे और जीवाश्म ईंधनों के उचित प्रयोग पर आप प्रतिक्रिया भी व्यक्त करने में सक्षम हो जाएंगे। तो सीखते हैं अपना पाठ कोयला और पेट्रोलियम। बच्चों, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की आप एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में आप वर्गीकरण करिए। फिर आप देखिए कि क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? यह बड़ा ही विकट प्रश्न है। जल के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि क्या जल एक असीमित संसाधन है। यह हमने उस पाठ में पढ़ा था कि जल असीमित है, लेकिन जो उपयोग योग्य जल है उसकी मात्रा बहुत ही कम है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टि से यदि हम देखें तो प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, जिनके नाम है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले हम सीखते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से ये समाप्त होने वाले नहीं हैं। क्या आप कोई उदाहरण बता सकते हैं? शाबाश, सूर्य का प्रकाश और वायु, यह ऐसे संसाधन हैं जिनको हम कितना ही इस्तेमाल करें यह समाप्त नहीं हो सकते। और दूसरा जो हमारा प्रकार है प्राकृतिक संसाधनों का, वह है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित होती है और यदि हम इनको इसी प्रकार इस्तेमाल करते रहे, यानी मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, ये समाप्त हो सकते हैं। और इनके उदाहरण क्या हैं? वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये वह पदार्थ हैं जिनको यदि हम इस्तेमाल करें तो समाप्त हो सकते हैं। इस अध्याय में बच्चों हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करने वाले हैं और इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से होता है और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोयले के बारे में। कोयला क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसके दूसरे संघटक पदार्थ हैं, उन सब के विषय में हम अब जानते हैं। बच्चों, आपने कोयला देखा होगा, उसका रंग भी देखा होगा और यह कैसा होता है इसके विषय में भी आपने अपने आसपास अवश्य रूप से देखा होगा। आपको पता हो कि यह क्या पत्थर जैसा एक कठोर और काले रंग का पदार्थ होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक ईंधन है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हेतु भी किया जाता है और कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। यह इतना उपयोगी है तो इसके बनने की कुछ ना कुछ कहानी अवश्य होगी। इसकी क्या कहानी है, यानी हम सीखेंगे अब कोयले की कहानी के विषय में। बच्चों, कहानी की शुरुआत कब होती है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण यह संपीड़ित हो गई और जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनके ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, कार्बनीकरण।
यानी ये क्या हुई हमारी कार्बनीकरण की परिभाषा। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। और आप जो है चित्र में देख सकते हैं, तो वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। कुछ उदाहरण याद है, मैं बताती हूँ, जैसे कोक, कोल तार और कोयला गैस। आइए सीखते हैं इन सभी के विषय में अलग अलग कि कहाँ इनका उपयोग होता है। सबसे पहले है बात करते हैं कोक के विषय में। बच्चों, कोक एक बहुत ही कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग कहाँ होता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में हम कोक का इस्तेमाल करते हैं, यानी यह बड़े ही काम का पदार्थ है। और दूसरा है कोलतार। कोलतार भी एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है और यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि आप जब मौत या अन्य किसी भी कीट को भगाने के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली सफेद रंग की नेप्थलीन या हम जो आम भाषा में बोलते हैं कपूर की गोलियां, वो इस काले कोलतार से प्राप्त होती हैं। और उनका रंग तो आपको याद है ना, बिल्कुल सफेद होता है। और बच्चों, एक और जगह जो है आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। यानी पहले हम क्या इस्तेमाल करते थे? कोलतार। और अब क्या इस्तेमाल करते हैं? बिटुमेन। अगला हमारा जो उत्पाद है वह है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है और यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। बच्चों, लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो यह थी हमारी कोयले की कहानी, कोयले के विभिन्न उत्पाद, उनका अलग अलग उपयोग। और अब बात करते हैं अपने दूसरे समाप्त हो जाने वाले प्राकृतिक संसाधन की, और वह है पेट्रोलियम। बच्चों, पेट्रोलियम का इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ज्यादा होता है। किस प्रकार से यह बनता है, किस प्रकार यह भंडारित रहता है और क्या इसके उपयोग हैं, ये सब हम पेट्रोलियम की कहानी में सीखने वाले हैं। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है और ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, इसकी भी एक कहानी है। बच्चों, क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है? इसके लिए हमें क्रियाकलाप करते हैं और इसकी सहायता से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से पेट्रोलियम बनता है और प्राकृतिक गैस दोनों ही किस प्रकार से भंडारित होते हैं। तो सीखते हैं अपना क्रियाकलाप। जानते हैं बच्चों कि ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। आज हम इस चित्र के क्रियाकलाप द्वारा यही सीखने वाले हैं कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार किस प्रकार से बन। शुरुआत करेंगे हम अपने चित्र की एक चट्टान बनाने से।
ये हमारी क्या है? तैलाशीय चट्टान। यहां तक जो बनेगी हमारी जल, और ये बन गई दूसरी सतह, और इसके ऊपर हम बनाएंगे ये जल की एक और सतह, और यहां होती है हमारी अपरवेशीय चट्टान। ये जो हमने सतह बनाई बच्चों, यहां तक होता है जल, और इसके बाद जो अगली परत आती है ये होती है तेल की, और यहां होती है गैस। इनको हम अलग अलग रंगों से भरेंगे ताकि हमें पहचान रहे कि यहां पर कौन सी परत है। जैसे जल को दिखाएंगे हम इस गहरे नीले रंग से, इस तरीके से, और इस तरफ भी जल है, और जल के ऊपर जो सतह होती है, परत होती है, वह होती है तेल की, और तेल को हम इस हल्के नीले रंग से दर्शाएंगे। ये हमारी सतह होगी तेल की, और तेल के ऊपर जो हमारी गैस बनी है उसको हम इस हरे रंग से दर्शाते हैं ताकि हमें ये अलग से नजर आए कि ये जो परत है वो गैस की परत है। नीचे जो आपको नजर आ रही है यह होती है हमारी चट्टान, तैलाशीय चट्टान, और इसको हम इस जामुनी रंग से भरेंगे बड़े ही हल्के हाथ से। चित्र बनाने पर मैं आपको इसकी अलग अलग परतों के बनने का किस्सा भी समझाऊंगी। ये बड़ी मजेदार कहानी होती है, पेट्रोलियम की कहानी। और बच्चों यहां हम लगा देंगे कुआं, यानी वो कुआं जहां से हम क्या करेंगे, गैस और तेल को बाहर निकालेंगे। ये गैस की परत यहां हमारे ये पहुंची, तेल की परत, और ये हमने क्या बनाया, कुआं। अब ये जो है बच्चों ये है हमारी अपरवेशीय चट्टान, जिसको हम ऑरेंज, आप चाहे तो ब्राउन कलर भी कर सकते हैं, इस रंग से हम इसको भर देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये चट्टान है। और कैसी, क्या नाम है इस चट्टान का, अपरवेशीय चट्टान। इस तरीके से हम अपरवेशीय चट्टान को भी रंग के द्वारा दर्शाएंगे। और अब हम इनके नाम लिखते हैं। ये क्या थी, तैलाशीय चट्टान, ये ऐसे, ये क्या है, जल, इस तरफ भी क्या है, जल है, और जल के ऊपर किसकी परत आई बच्चों, शाबाश, तेल की परत, और तेल के ऊपर गैस, बहुत बढ़िया। और ये हमने क्या बनाई थी, अभी अभी नाम बताया था, शाबाश, अपरवेशीय चट्टान। और यहां हमने बना रखा है कुआं, ये कुएं हैं जहां से हम एक तरफ से गैस को बाहर निकालते हैं और दूसरे वाले से हम क्या निकालते हैं, तेल को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या बना है, पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस के भंडार। क्या नाम है हमारे चित्र का? पेट्रोलियम और तथा प्राकृतिक गैस के भंडार, ये हमारा चित्र का नाम है। जब भी आप चित्र बनाएं उसका नाम अवश्य लिखें। अब बच्चों समझाते हैं आपको ये कैसे बना। क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से होता है। जब ये जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम जाते हैं, और इस प्रकार क्या होता है, जमने के बाद इनके ऊपर रेत और मिट्टी की परत जो है वो इनको ढक देती है। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम ये तेल और गैस में परिवर्तित कर दिया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को हमने दर्शाया है, और आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? बच्चों याद करो, तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते, इसीलिए इनकी परत ऊपर बनती है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था, और 8 वर्ष के बाद 1867 में भारत के असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। आप जानते हैं भारत में तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है? मैं बताती हूँ, भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो ये हमने क्या सीखा, अपने तेल के भंडारण के बारे में हमने सीखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए, ऐसा ही चित्र आप भी बनाएं और सीखें। तो बच्चों क्रियाकलाप में आपने देखा कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए, और फिर रेत और मिट्टी की तह के नीचे ये ढक जाते हैं, और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ये हमने अपने चित्र में देखा और चित्र भी बनाया। किस चीज का चित्र बनाया था आपने? पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का चित्र आपने बनाना सीखा। चित्र में आपने देखा कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस तेल की जो परत थी वह पानी की परत के ऊपर थी। ऐसा क्यों है बच्चों? तो आपको याद होगा कि तेल और गैस पानी से हल्के होते हैं और पानी में ये मिश्रित नहीं होते, इसीलिए हल्के पदार्थ की जो परत थी वह भारी से ऊपर आई। यानी जल के ऊपर किसकी परत आई? तेल की, और तेल के ऊपर कौन सी परत थी? गैस की परत। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों या प्रभाजों को पृथक करने का जो प्रक्रम होता है उसको हम कहते हैं परिष्करण। ये हुई हमारी परिभाषा परिष्करण की, देख सकते हैं। अब बच्चों हम सीखेंगे पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग, और इसके लिए आप चित्र में क्या देख सकते हैं? सारणी, जहां पर लिखे हुए पेट्रोलियम के संघटक और उनके उपयोग। सबसे पहले नंबर पर बच्चों क्या लिखा हुआ है? द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस, जिसको हम कहते हैं LPG, और इसका क्या उपयोग है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें प्राप्त होता है पेट्रोल, और पेट्रोल का उपयोग क्या है? मोटर ईंधन में, वैमानिक ईंधन में, शुष्क धुलाई के विलायक के रूप में हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो संघटक है वह है मिट्टी का तेल, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं स्टोव में, लैंप में और जेट वायुयान के ईंधन के लिए। इसके बाद जो अगला संघटक है वह है डीजल, और डीजल का इस्तेमाल होता है बाहरी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में। फिर है स्नेहक तेल, और स्नेहक तेल को हम स्नेहन के लिए उपयोग में लाते हैं। अगला हमारा जो संघटक है वह है पैराफिन मोम, और पैराफिन मोम का उपयोग होता है बच्चों मरहम के लिए, मोमबत्ती या वैसलीन आदि बनाने में। और अंतिम जो है संघटक वह है बिटुमिन, और इसके लिए हमने अभी सीखा था कि बिटुमिन का उपयोग होता है सड़क निर्माण में, और साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है पेंट के निर्माण में।
तो ये क्या थे बच्चों, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। ये आप अपनी सारणी कॉपी में अवश्य बनाएं, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले ऐसे प्राकृतिक संसाधन की तरफ जो खत्म हो सकता है, और वह है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस बच्चों एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवाश्मी ईंधन है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी किसकी एब्रिवेशन है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस की, इसे आप याद रखें। फिर है सीएनजी का उपयोग हम कहां करते हैं? सीएनजी का अगला जो उपयोग है वह है ऊर्जा उत्पादन में। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसकी एक विशेषता है, क्योंकि यह बहुत कम प्रदूषणकारी है, और इसीलिए हम सीएनजी को एक विशेष नाम देते हैं। क्या नाम है? स्वच्छ ईंधन। हमारी जो सीएनजी गैस है उसको हम स्वच्छ ईंधन के नाम से भी जानते हैं। और सीएनजी का अधिक लाभ क्या है? अधिक लाभ यह है बच्चों कि इसको आप घर पर और कारखानों में सीधा ही जला सकते हैं, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। जो हमारे बड़े बड़े कारखाने होते हैं वहां पर इस गैस को पाइपों के द्वारा भेजा जाता है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल कहां है? इसका उदाहरण है बच्चों वडोदरा गुजरात में, और दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर ऐसा पाइपलाइन का एक जाल उपलब्ध है। फिर प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। कहां कहां है ये भंडार? याद कीजिए, हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ये क्या था हमने प्राकृतिक गैस के विषय में सीखा? बच्चों इस पाठ की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो समाप्त हो सकते हैं। उनके उदाहरण क्या क्या थे? सही, जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि, जो कि इस्तेमाल करने से समाप्त हो सकते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, यह उदाहरण आप याद रखें। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है, और दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों तक और चल सकते हैं। यहीं पर समस्या आती है बच्चों। यह हम इनको क्यों कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी यह खत्म हो सकते हैं? यही जो अभी हमने आपको बताया कि इसको परिवर्तित होने में, जो मृत जीव है उनको ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, और जो उपलब्ध भंडार है वह केवल आने वाले कुछ 100 वर्षों तक चल सकता है। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का दूसरा जो दुष्प्रभाव है वह है कि इन ईंधनों के जलने से वायु प्रदूषण प्रमुख रूप से फैलता है, और इसका संबंध सीधा सीधा किससे है? विश्व उष्णन से, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ता है इन ईंधनों के जलने से। अतः यह आवश्यक है बच्चों कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा, और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। यानी ये तीन तीन और बहुत ही बड़े फायदे हैं इन ईंधनों के उपयोग को कम करने के लिए। इसी संदर्भ में बच्चों भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति यानी PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार आप पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। क्या है उनकी सलाह, सीखते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं, ज्यादा तेज गाड़ी ना चलाएं। दूसरा जो है वह है यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। और तीसरा है टायरों में जो हवा होती है उसका दाब सही रखें। और चौथी जो सलाह हमें दी जाती है PCRA के द्वारा वह है कि आप अपनी गाड़ी या वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें। तो ये थे वो सलाह जो
हमें दी जाती हैं पीसीआरए के द्वारा। अब हम एक बार उन्हें यह देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा, ताकि आपको एक बार अच्छे से ध्यान आ जाए कि हमने इस पाठ में क्या क्या विशेष बातें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जीवाश्म ईंधन, और उनके क्या क्या उदाहरण थे, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। फिर जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे होता है यह हमने पढ़ा, यानी जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था, और हमने ये कहानी पढ़ी, कोयले की कहानी और पेट्रोलियम के बनने की कहानी। जीवाश्म ईंधन कैसे हैं, ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं, और कोक, कोल तार और कोयला गैस ये कोयले से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। फिर बच्चों हमने सीखा पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त हुए, और इनके उपयोग भी हमने पढ़े इस अपने पाठ में। फिर हमने सीखा कि कोयला और पेट्रोलियम के जो संसाधन है वह सीमित हैं, और हमें क्या करना चाहिए, हमें इनका उपयोग बहुत ही न्यायोचित तरीके से करना चाहिए। यह था अपना पाठ, इस पाठ को हम रिवाइज करेंगे, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ प्रश्न, यानी प्रश्न के आधार पर हम देखेंगे कि क्या हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं या नहीं। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न बताती हूँ, और आप इस पाठ के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, यानी यहाँ आपको प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा लिखनी है। दूसरा है, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, साथ ही उन वर्गों के नाम भी बताएं। अगला प्रश्न है बच्चों, कार्बनीकरण क्या होता है, यानी इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखनी है कार्बनीकरण की परिभाषा। और चौथा प्रश्न है बच्चों, कोक, कोल तार और कोयला गैस के दो दो उपयोग बताइए। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की परत में पानी के ऊपर क्यों पाई जाती है, यह हमने सीखा था आपने चित्र में भी और बाद में भी। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम बताइए व उनके एक एक उपयोग भी बताएं, यह है अपना अगला प्रश्न। और इसके बाद अंतिम प्रश्न है, पीसीआरए लोगों को पेट्रोल व डीजल बचाने के लिए क्या सलाह देती है। तो यह था अपना पाठ, उसके प्रश्न, उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। यह तो मुझे पता है कि आपकी कक्षा बड़ी ही तीव्र बुद्धि वाली है और बहुत जल्दी सीख जाती है, तो आप भी इस पाठ को एक बार पुस्तक से अवश्य पढ़ें और प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।